हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर किए हैं तो उसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लेना होता है, और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की तरफ में अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। तो अकाउंट के ऑप्शन पर आकर आपको क्लिक कर लेना होता है। इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर में ही फर्स्ट नंबर पे आपको ऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आकर आपको क्लिक कर लेना होता है। और इसके बाद दोस्तों आपको जिस ऑर्डर को कैंसिल करना होता है, यहाँ से आप उस ऑर्डर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हम इस फ़ोन को कैंसिल करना चाहते हैं, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर नीचे की तरफ देखने पर यहाँ पर एडिट ऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आकर आपको क्लिक कर लेना होता है। इसके बाद दोस्तों इसमें लिखा है आई वांट टू कैंसिल माय ऑर्डर, इस पर आकर आपको क्लिक कर लेना होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें रीजन देना होता है कैंसिल करने का। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि रीजन फॉर कैंसिलेशन यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस कारण ये अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहें। तो दोस्तों हम यहाँ से कोई भी एक रीज़न दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर आई वांट टू चेंज द कॉन्टेक्ट डिटेल्स ही क्लिक कर लेते हैं, किसी भी रीजन से ये कैंसिल हो जाता है। पर कोई एक कमेंट भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ से कुछ भी लिख लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से बैक आकर यहाँ से क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि एंटर लिस्ट फाइव कैरेक्टर्स, पांच वर्ड टाइप कर देना है, और इसके बाद कंटिन्यू कर देना होता है। जैसे आप यहाँ कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका आइटम कैंसिल हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा कैंसिलेशन कंफर्मेड हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपना कोई भी ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।